मैंने पहले भी मृत्यु भोज पे आपको कविता सुनाई थी। ओ सेठ जी करियावर करनो है, थे याने उधार दो, बापू पहले ही मर गया, थे या टावरा ने भी मार दो, कई भी वेजा मीठो पकवान करनो ही पड़ेगा, यहाँ बाड़का ना बे किस्ता में मरनो पड़ेगा, ए भाया पैसा नहीं वे तो उधार ले जा, थारा इकलौता खेत का कागज पाना दे जा, थारी भई की कड़िया कंदोरा गेणे मेल दे, पर फटाफट हल वही पा हई का पैसा मेल दे, देख बारवा में थारी हितेसी समाज आवेला, दांत काटते जागा जड़े में जामुन खावेगा, छोरा ने भणवा मेलवा को बुरो काम कदी नहीं करनो, जगह जमी वेचनी पड़े तो पड़े पण करियावर ठाटू ज करनो, है ना। तो ये मेरा व्यंग आपको समझ में आया होगा कि ये मृत्यु भोज नहीं करने के। आप आज कसम खाइए हाथ खड़े करके, ऐसे हाथ करके, सर कुछ भी हो जाए मैं करियावर नहीं जिमूंगा। जिसमें हिम्मत है वो हाथ, जिसमें हिम्मत है, थोड़ी बहुत इंसानियत है तो आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ, आपको क्या है, आपको पत्रिका मिलती है, आप तो सोचते हैं नूतो आयो, पर वास्तव में उस नजरिए से देखो कि कोई आपको फोन कर रहा है, हाँ हमारा भाई जी मर गया आई जा मिठाई खवाऊं, कितना अच्छा लगता है। अरे हमारा बाप मारो भाई एक्सीडेंट में मर गया आई जा जिम ले, नहीं खाता हूँ 5 साल 7 साल हो गए, नहीं है ना। आप कसम खाइए कि सर ऐसा गिद्ध आप देखना, डांडोर मर जाए आपने तो जब सरकारी जमीन पे फेंका, उठाई फेंक दे बेटा बाण, उसके बाद कुछ टाइप के जानवर आते हैं गिद्ध और चील कहते हैं जिनको, ऊपर हवड़े काँव काँव करे और फिर वहाँ उतरती है, उस मांस को नोच नोच के खाती है। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। जिस आदमी के घर में दुख की घड़ी है, जिस आदमी के घर में मौत हो चुकी है, जिस आदमी के घर का इंसान का मतलब इंसान जा चुका है, उसका परिवार लूट चुका है, उन बच्चों के परिवार सर से साया उठ चुका है, वहाँ पर जाके हम चटकारे लगाते हैं, कहते लूण और लान जलेबी और लान, शर्म नहीं आती हम लोगों को। इन कुरीतियों के खिलाफ आप खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। हिंदू धर्म को मानते हो, कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, कितने संस्कार, और 15वां के बाद जो 16वां संस्कार होता है वो होता है अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, कुछ संस्कार वे दाह, अंतिम संस्कार होता है 16वां, उसके बाद तो हिंदू धर्म की किसी किताब में नहीं लिख रखा 17वां भी कोई संस्कार होता है, तो फिर ये आप चटकारे लगाने वाला संस्कार क्यों करते हैं। अगर सोचना घर पे जाके आप दूसरों के यहाँ तो मजा आता है आपको, लेकिन आपके जिसके घर में अनहोनी हुई और उसी के घर में मिठाइयाँ हलवा पूड़ी पक रही, उसकी आत्मा जानती है क्या हो रहा है। आज मान लीजिए मैं मेरे पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए और मेरे पिताजी बैठे हो और उनके सामने हलवा बन रहा है, क्यों बन रहा है कि मेरा प्रिय पुत्र जा चुका है दुनिया से, इसलिए मिठाई बन रही है लोगों को बांटने के लिए, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। किसी आदमी के मोटरसाइकिल चोरी हो जाए आप 10 रुपये की मिठाई लेकर के उसके घर जा लो, मिठाई खा लो यार आपकी गाड़ी चोरी, खाड़ा मेरी थंग माता में। जब एक गाड़ी चोरी हो गई उसकी मिठाई आप नहीं खा सकते तो इंसान चला गया उसकी मिठाई कैसे खा सकते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप कसम खाएं कि सर आज के बाद ऐसा नवरा काम नहीं करें।